वाहन चालकों से टोल टैक्स पर 50% की मूल्य वृद्धि करने पर युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन दिया। गुरुवार को इंदौर महू एबी रोड स्थित पाथ कंपनी द्वारा संचालित ग्राम उमरिया के टोल टैक्स पर वाहन चालकों से टोल टैक्स में मूल्य वृद्धि को लेकर युवा कांग्रेस के महू विधानसभा अध्यक्ष निशांत सिंह चौहान के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया और पाथ इंडिया कंपनी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। साथ ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेट सूची पर कालिख भी पोत डाली। निशांत सिंह चौहान ने कहा कि हमें 7 दिन में बढ़ते टोल टैक्स को लेने का आश्वासन दिया है, यदि 1 सप्ताह बाद हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और हमेशा के लिए टोल टैक्स बंद करवा दिया जाएगा। देखिए, ये महू रोड का जो बड़े टोल आता है उसका है। यहाँ पर महू शहर की और आसपास की इतनी गाड़ियाँ रोजाना अपडाउन करती है, उसके बावजूद इन्होंने आज 50% मूल्य वृद्धि टोल टैक्स में की है। इसका आज हमने विरोध किया है और विरोध करने के बाद जब हम इससे इस पर चर्चा करी तो ये बता रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश शासन का आदेश है। तो आज हमने इन्हें 7 दिन के भीतर वापस जो मूल्य वृद्धि वापस की है उन्हें वापस लेने की मांग करी है, अन्यथा हम पूरी ताकत से इस टोल को बंद कराने के लिए 7 दिन के भीतर हम बैठ जाएंगे और ये पूरा टोल हमेशा के लिए फ्री कराते हैं।